सतना जिले के अमरपाटन में पुलिस ने टेरर फंडिंग मामले में दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 13 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल और 20,000 से ज्यादा कैश मिला है। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अमरपाटन पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लोग बड़ी मात्रा में एटीएम लेकर फ्रॉड करने की नीयत से खड़े हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ा, जिनकी पहचान अमन पटेल और रजनीश पटेल के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के कनेक्शन पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। आरोपियों के मोबाइल में मिले नंबर्स की जांच साइबर टीम के द्वारा की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा टेरर फंडिंग का ही नेटवर्क है, जो पश्चिम बंगाल से जुड़े लोगों के द्वारा फैलाया गया है। कल दो युवक के यूनियन बैंक के ATM के पास पकड़ाए हैं। उनसे कुछ ATM कार्ड, संदिग्ध ATM पैसे और मोबाइल जब्त हुए हैं। उनको 420 अपराध कायम हुआ, IPC का अपराध पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार किया गया है। आज PR लिया जा रहा है और डिटेल्स पूछताछ करने के लिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।